हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 17 तेजी से आगे बढ़ रहा है और घर के अंदर पहला नॉमिनेशन टास्क हो गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, माना जा रहा है कि 3 जो कंटेस्टेंट्स हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं। हालांकि कॉन्फर्मेशन नहीं है, लाइव फीड में जो देखकर समझ आया है वो यही लग रहा है कि 3 जैसे बिग बॉस का जो घर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो तीनों ही मकानों में से एक एक कंटेस्टेंट को बाकी के कंटेस्टेंट्स ने नॉमिनेट किया है। दिल के जो मकान है उसमें जो 6 लोग थे उनमें से सबने ही मन्नारा को टारगेट किया। मन्नारा फूट फूट कर रोई है। इतना ही नहीं, मन्नारा के साथ हुई है गद्दारी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मन्नारा और अंकिता का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता जा रहा था, दोनों काफी बातें कर रहे थे। वही जो अंकिता लोखंडे है वो अपने पति से भी कहती नजर आई थी कि मुझे मन्नारा काफी पसंद है, मन्नारा का बिहेवियर बहुत ज्यादा स्वीट है, वो दिल की काफी साफ और अच्छी लगती है, मुझे उससे बात करना पसंद है। तो वही अब जब नॉमिनेशन टास्क हुआ तो अंकिता के सुर पूरी तरीके से बदल गए और अंकिता ने मन्नारा की ही पीठ पर भोग दिया है छुरा और कर दिया है उसे नॉमिनेट। जहां एक तरफ मन्नारा काफी ज्यादा आहत हुई है क्योंकि विकी जैन ने भी उन्हें नॉमिनेट किया है और विकी से भी मन्नारा की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफी अच्छी ट्यूनिंग पट रही थी और ये तमाम चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी मन्नारा ने एटलीस्ट विकी जैन से। पर विकी के साथ साथ अंकिता लोखंडे, ईशा मालविया, ऐश्वर्या और नील भट्ट ने भी मन्नारा का ही नॉमिनेशन में डाल दिया है नाम और वो हो चुकी हैं नॉमिनेट। तो अब ऐसे में अंकिता से भी काफी ज्यादा खफा हो गई है मन्नारा। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में जो अंकिता और विकी है ये दोनों सफाई दे पाएंगे मन्नारा को कि क्यों किया है उन्होंने मन्नारा को नॉमिनेट। वैसे माना यही जा रहा है कि जो मन्नारा है वो उनकी टीवी फर्टनिटी से नहीं है, तो हो सकता है यही वजह हो कि उन्होंने उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर दिया हो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिएगा गॉसिप टाउन।